The X-Balls and the One, Channel and the Groups. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अब्दुल सत्तार, द एक्सपोज अंडमान चैनल एंड ग्रुप से। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कल एक बहुत भारी हादसा हुआ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में, जिसमें से एक हमारे सेना के जवान थे जिसके नाम था सुरेश। उसका बेटे और उसका भाई जो एक हादसा का शिकार हो गए थे बर्मा नाला में, उनका जो है डेड बॉडी कल 2 बजे हमारे जीबी पंत हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, मतलब गया था, और उनका जो है डेड बॉडी आज 2 बजे मिल रहा है। डीएचएस का नाकामी देखिए आप लोग कि किस कदर का। कल 2 बजे जो डेड बॉडी पहुंचा हुआ, आज 2 बजे लोग हैंड ओवर कर रहा है। क्यों? इसका मतलब ये डीएचएस का नाकामी है, क्योंकि इनका काम धाम है ही नहीं। क्योंकि अभी आपको मालूम है साइक्लोन अलर्ट है, इतना बारिश, इतना तूफान है, उसका बीच में इनको बच्चों को दफनाना है, बाप को जलाना है, उनका बड़ाबा को जलाना है। अभी ये बारिश में कैसा करेगा? देखिए, सारा आदमी उनके घर में, अभी देखिए डेड बॉडी घर उनका पहुंचा है। देखिए किस कदर का पूरा पब्लिक जो है भीड़ लगा हुआ है, बारिश में भीग के खड़ा है उनके स्वागत के लिए, क्योंकि एक आर्मी का सोल्जर था। एक आर्मी के सोल्जर के साथ में अगर इस तरह हो सकता है तो सोच के देखिए एक सिविलियन के साथ में किस तरह करेगा ये डीएचएस। तो मेरा अंडमान निकोबार प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि एक्शन लिया जाए इसके ऊपर। जो हमारा डीएचएस का जो डायरेक्टर है उनके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए कि ऐसा क्यों करा। कल 2 बजे पहुंचा जो डेड बॉडी, आज 2 बजे हैंड ओवर हो रहा है, ऐसा क्यों है? मेरा प्रशासन से यही सवाल है कि ऐसा क्यों है? एक आर्मी के जवान के साथ में ऐसा क्यों है, जो पूरे अपने तन मन धन से देश के सेवा के लिए, आज उनका डेड बॉडी घर पहुंचने के लिए पूरा 24 घंटा लग गया। इसीलिए मेरा प्रशासन से मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है कि डीएचएस के ऊपर में एक्शन लिया जाए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। जय हिंद।